सो कैसे हैं आप सर। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई रीडिंग्स लेकर आता हूं। तो आज भी हम कुछ ऐसी रीडिंग लेकर आए जिसके अंदर हम जानेंगे कि आपके पार्टनर जो आपके साथ अभी करंटली आपके साथ है, मैं आज ये नहीं बोलूंगा कि जिन्होंने आपको नो क्वांटिटी सेपरेशन की एनर्जी दी हुई, ऐसा नहीं है। आज जो मैं रीडिंग करने वाला हूं बहुत स्पेशल होने वाली है कि आपके पार्टनर जो आपके साथ हैं, आपसे बात तो करते हैं लेकिन जो एक बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में पहले स्टार्टिंग में थी ना, कहीं ना कहीं आप वो बॉन्डिंग को मिस कर रहे हो। एग्जैक्टली उनके साथ हो क्या रहा है, वो आपको इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आपसे बातें बहुत कम क्यों करते हैं। जैसे रोमांटिक बातें आप दोनों के बीच में पहले चला करती थी, वो कहीं ना कहीं रोमांस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आप दोनों के बीच में बातचीत तो होती है लेकिन बहुत कम बातचीत होती है आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं आपके मन में कई सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स से आप घिरे हुए हो। तो आज वो सारे डाउट्स इस रीडिंग में क्लियर करे जाएंगे कि एग्जैक्टली आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। क्या वो अपने ही किसी चीज से परेशान है या कहीं ना कहीं आपसे दूर हो रहे हैं वो। तो आज इस रीडिंग में सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में कई चीजें रिवील होने वाली हैं आज इस रीडिंग में। तो कोई भी चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज, जो मैं रीडिंग करता हूँ वो कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहती है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, और जितना पार्ट रीडिंग में आपसे रेजोनेट हो उतने को ही क्लेम कीजिए, बाकी रीडिंग को आप स्किप कर सकते हैं। चलिए मैं जब तक कार्ड शफल करता हूँ तब तक अपने पार्टनर को मन में ध्यान में लेकर आइए, और जो भी क्वेश्चन आप डिवाइन पावर से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन अपने मन में लेकर आइए ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो। ओके, हे डिवाइन प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके सभी क्वेश्चंस के आंसर इस रीडिंग में मिल जाएं। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। यस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, टू ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, द जजमेंट, द लवर्स, फोर ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द कार्ड इज टू ऑफ कप। इसे भी यहां रख देते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको चीज समझा दूं इसके अंदर। यदि आपके मन में कुछ भी अगर डाउट है ना आपके पार्टनर के लिए कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत आपसे स्पेस लिया हुआ है या आपसे बहुत कम बातें करते हैं, तो इट डजंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करते। प्यार तो मैं कह रहा हूं 5000% आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए लॉन्ग लाइफ तक रहेंगे। क्योंकि देखो मेरे पास कार्ड आपके लिए जो फेवरेबल कार्ड आए हैं वो बता देता हूँ। पहले मैं पहला कार्ड आया हमारे पास टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड आया है, द लवर्स की एनर्जी निकली है, आपका फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकली है एंड साथ में आपका टेन ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है। यदि मैं यहाँ बात करूं, देखो हमारे वैंड्स भी है, स्वॉर्ड्स भी हैं, कप्स भी हैं, पेंटिकल्स। अगर बात करूं यहाँ पे मेरे पास सभी राशियों के लिए ये पूरी रीडिंग रहेगी। आपका मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृषभ, धनु, मकर एंड कुंभ एंड मीन राशि, सभी के लिए, सभी जोडिक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। ठीक है, क्योंकि सभी इसमें साइन है, सब चारों एलिमेंट्स इसके अंदर हैं आपके, पेंटिकल्स, कप्स, वैंड्स एंड स्वॉर्ड्स सभी हैं। अब देखो आपके पार्टनर जो आपसे कम बात कर रहे हैं, यदि वो आपसे थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहे हैं या आपसे स्पेस ले रहे हैं, जैसे पहले आपके बीच में बातचीत होती थी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का अभी ना बहुत स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, खासतौर से फाइनेंसिस को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनको उस तरीके से उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पा रहे जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। देखो क्योंकि मेरे पास निकला है पहला कार्ड, निकला है मेरे पास आपका एट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि इंसान मेहनत बहुत कर रहा है, दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। देख रहे हैं ऐसे इंसान बहुत उदास है लेकिन पैसा उसने खुद इन्वेस्ट करा है खूब सारा, लेकिन उसको उस तरह रिजल्ट नहीं मिले। तो मतलब क्या है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल को अपने ग्रोथ करने में बहुत शिद्दत से लगे हुए हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूं, कहीं ना कहीं आपके अंदर जजमेंट की एनर्जी आती है। जजमेंट की एनर्जी क्या मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को जज करना शुरू कर देते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया हो, और आपके मन में ना चीजें कहीं सारी ऐसी हैं। देखो मैं देखो कि डेविल का कार्ड आया, डेविल का कार्ड कहीं पर ये बोलता है कि लाइक जैसे यदि आप अपने पार्टनर के साथ अटैच है लेकिन आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके मन में कई बार चीजें ऐसी आती है कि आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के साथ अटैच तो नहीं हो गए, क्योंकि आपके मन में ना, देखो क्या होता है जब कोई इंसान रिलेशनशिप में होता है ना,
उनका अगर फ्रीक्वेंटली आपस में बातचीत चलती रही तो सब कुछ अच्छा चलता रहता है, दोनों के माइंड बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं। यदि कोई एक पर्सन आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है या आपसे कम बात करना शुरू कर देता है तो आपके मन में तुरंत ये चीज आती है कहीं आपका प्यार कम तो नहीं होता जा रहा है, कहीं वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर बार हर केसेस में ऐसा नहीं होता। जो आपका केस है मुझे कहीं ना कहीं फाइनेंसिस को लेकर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को लेकर दिमाग में चीजें आती कई सारी आती हैं, क्योंकि आपने काफी टाइम से अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं। देखो मेरे पास जो कार्ड निकला ना, यहाँ पे फोर ऑफ बैंड्स की एनर्जी निकली है, आपने कई बार अपने पार्टनर से ना, क्योंकि आपकी ड्रीमिंग जानते हैं कि आप क्या ड्रीम करते हो, आप अपने पार्टनर से शादी करना ड्रीम करते हो कि आप दोनों की शादी होगी। आप दोनों का रिलेशनशिप ना काफी लंबे टाइम चलता आ रहा है और अब आपके घर में भी इन चीजों के लिए प्रेशर दिया जा रहा है, शादी है ना, इन सब चीजों के लिए आपके पार्टनर के और आपके लाइफ में भी। लेकिन आपके पार्टनर अभी इस चीजों को लेकर स्टेबिलिटी नहीं है उनके फाइनेंसिस की, इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जिस कारण अभी आपके मन में बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में है कि एग्जैक्टली ये इंसान चाहता क्या है आपसे, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा। लेकिन वो आपसे कई बार चीज को बोल चुके हैं, इट्स नॉट द राइट टाइम टू आस्क ऑल दीज थिंग्स, उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप को स्टेबल करना है, क्योंकि उनको पता है कि आपकी डिमांड्स क्या है। डिमांड्स छोड़ो, डिमांड्स वर्ड बोलना सही नहीं रहेगा, उन्हें पता है कि आप किस सिचुएशन में आप खुश हो सकते हो और वो आपको शादी के बाद लाइक प्रिंसेस की तरह रखना चाहते हैं कि आप उसके साथ एक रानी की तरह रहो, क्योंकि हर एक इंसान की इच्छा होती है कि अगर उसकी वाइफ उसके साथ रहती है ना, उसके जो दिमाग में चीजें आती हैं, जो उसके मन में इच्छाएं होती है ना, वो इच्छाएं उसके मन में आने से पहले पूरी हो जाए और वो आपकी हर एक इच्छा पूरी करना चाहते हैं। क्योंकि देखो मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं ना, टू ऑफ कप्स की एनर्जी, फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी, द लवर्स की एनर्जी आई है, साथ में मेरे पास टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। चारों कार्ड क्लियरली मुझे शो कर रहे हैं कि ये इंसान आपसे बेहद प्यार करता है, बहुत शिद्दत से प्यार करता है, बस आपसे टाइम मांग रहा है थोड़ा सा। आपके साथ मुझे कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप आपका नहीं है किसी भी हाल में, आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है, आप सोल सोल कनेक्शन हो। आपके रिलेशनशिप में पहले भी कहीं पर लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, कहीं पर आपके पार्टनर ने आपको नो क्वांटिटी कनेक्शन दिए, लेकिन वो इंसान कभी आपसे गुस्से में बात नहीं करी, उसने आपके साथ बोलता है पेशेंस रखने के बोलते, क्योंकि वो इंसान ना कभी भी अपने लाइफ में एक अनस्टेबिलिटी लाके आपको एक स्टेबल लाइफ नहीं दे पाएगा, उसको ये चीज पता है और बहुत मेच्योर इंसान है। हाँ थोड़ा बहुत आपके पार्टनर में एग्रेशन है, रिजिड नेचर के हैं, आपको चीज बार बार चीज जिद करते हो या किसी एक चीज के पीछे पड़ जाते हो, उससे किसी एक चीज की डिमांड करते हो, डिमांड इन द सेंस मतलब कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेकर, डिमांड इन द सेंस दिस थिंग्स, ये चीज बोल रहा हूँ, डिमांड में कोई मॉनेटरी डिमांड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो डिमांड के लिए आपको बार बार बोलते हैं भाई अभी रुक जाओ, थोड़े टाइम दो, अभी सही टाइम नहीं है, पहले स्टेबल हो जाए आप भी और वो भी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है आप तो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबल हैं, लेकिन आपके पार्टनर को स्टेबल होने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको टाइम लगना है, थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। मुझे आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास देखिए यहाँ पे डिवाइन का कार्ड भी आया है जो कि एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, जो कि ये शो करता है आप दोनों के रिलेशनशिप में ना एक जिसे कहते हैं ना डिवाइन की ब्लेसिंग्स, मुझे वो डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके मन में भले ही कितनी नेगेटिविटी आ रही हो, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए हमेशा से ही पॉजिटिव है, वो आपको कभी खोना नहीं चाहते। हाँ लेकिन उनके अंदर जानते हैं कई बार पॉजिटिवनेस आ जाती है, यदि आप उनसे दो दिन बात नहीं करते हो ना, या उन्हें आप कॉल नहीं करते हो, तो उनके मन में ये आ जाती है कि मुझसे फोन क्यों नहीं कर रही है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। तुरंत आपके पास कॉल आता है इन चीजों को लेकर कि तुमने बात क्यों नहीं करी। यदि आप कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाते हो तो आप उनसे बात नहीं कर पाते, तो उनके दिमाग में आता है कि ये वहां जाके मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। आपके पास कॉल भी आते हैं इन चीजों के लिए, तुम वहां पे गई थी मुझसे तुमने बात क्यों नहीं करी। पॉजिटिव है आपके लिए बहुत ज्यादा, लेकिन एक्सप्रेसिव कम है, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते। और प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आप अपनी फीलिंग्स को हर तरीके से उसे सारी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हो, तो आपकी डिजायर क्या रहती है कि अगर जिस तरीके से आप एक्सप्रेसिबल है ना, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, तो वो भी आपको ऐसे एक्सप्रेस करें। लेकिन वो इंसान का नेचर बहुत रिजर्व है, आप समझो यदि वो अकेला बैठा होता है ना कई बार, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में ओवर थिंक करते रहता है, आपके लिए बहुत फ्यूचर प्लान बना के बैठा हुआ है कि किस किस तरीके से आपको कैसे आप हर आपकी एक डिजायर उन्होंने पूरी करनी है, बहुत प्लानिंग करके बैठे हैं आपके साथ। आपके साथ बताऊं मैं आपको, आपके साथ वो बूढ़ा होना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं वो, ठीक है ना। ये कार्ड जो है टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी जो एक फैमिली को शो करता है कि आपके साथ एक फैमिली बनाते हुए ड्रीम करते हैं वो, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम की जरूरत है, आपके साथ एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप शादी के बाद उनके साथ कोई फाइनेंशियल में प्रॉब्लम आए, क्योंकि फाइनेंशियल देखो क्या होता है,
प्यार एक अपनी जगह होते हैं, फाइनेंसिस अपनी जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड में जो क्लियर दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं उनके फाइनेंसिस में प्रॉब्लम चल रही है। फाइनेंसिस बहुत ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको कई बार ऐसा हो चुका, कई बार ठोकर खा चुके हैं फाइनेंसिस को लेकर, तो उनके थोड़े फाइनेंसिस हिले हुए हैं, अपने फाइनेंसिस को ग्रो करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको बहुत जल्द कमिटमेंट देगा। अगर मैं कमिटमेंट की बात करूं तो मुझे कम से कम यहाँ पे अराउंड 2 से 2.5 महीने के टाइम मेरे को दिखाई दे रहा है कि जब आपको कमिटमेंट दे सकते हैं आपसे बात। मैं ये नहीं बोल रहा पूरा कमिटमेंट, शादी के लिए कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एक चीज का यकीन दिला सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली ही विल गोना मैरी विद यू, ये चीज के मैं आपको कन्फर्मेशन दे सकता हूँ। और साथ में जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं आप उसके साथ इस तरीके से ट्रीट करते हो लाइक जैसे होता है ना कि आप उसको अपने लाइफ में लाइक हीरो समझते हो, आपने उस चीज को उसे शो कर रखा है कि लाइक यू आर द हीरो ऑफ हर लाइफ, आपने वो चीज शो कर रखी है उसे और वो चीज जानते हैं कि उसकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है और सेम वैल्यू आपकी उसकी लाइफ में। आपको कभी भी जिसे कहते हैं डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, आपको कभी धोखा नहीं देंगे, आपके साथ जिंदगी भर रहने का साथ निभाएंगे, इसीलिए आप ऐसा अगर तू तू मैं कभी बार आपकी होती भी है ना तो कभी आपको ब्लॉक नहीं करते, वो भले 2 दिन नाराज रह लें आपसे बात ना करें लेकिन ब्लॉक नहीं करा उन्होंने कभी आपको, हमेशा आपको हमेशा ऑन करके रखते हैं कि इमरजेंसी कभी आपसे बात करने का मन करे आप उससे बात कर पाए, वो आपसे बात कर पाए, लेकिन उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत हैं, आपसे प्यार करते हैं, थोड़े फाइनेंसिस को लेकर प्रॉब्लम है, वो फॉर ए टाइम बीइंग रहेंगी, उसके भी सोल्यूशन आपको बताऊंगा मैं, फाइनेंसिस के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है वो भी बताऊंगा, लेकिन कंक्लूजन इस रीडिंग का ये है कि आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपसे टाइम मांग रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं फाइनेंसिस के लिए, फाइनेंसिस के लिए जो सबसे बेस्ट क्रिस्टल अब तक का रहा है वो है पायराइट, आपने नाम भी सुना होगा पायराइट के लिए, ये पायराइट क्रिस्टल ये क्या करता है, यदि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी फाइनेंसिस को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है या तो पैसे की बरकत नहीं हो रही है, कई लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन साथ साथ एक हाथ से पैसा आता है दूसरे हाथ से पैसा निकलता रहता है, तो उस चीज को लेकर सबसे बेस्ट क्रिस्टल रहता है पायराइट का। पायराइट क्या करता है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, आपकी लाइफ में पैसों को अट्रैक्ट करता है, पैसों को बरकत करता है, आपके पास पैसा रुकता है, मेन चीज ये है, यदि आपका कहीं पैसा स्टक है तो स्टक मनी को ये वापस लेकर आता है, इसका 100% रिजल्ट है, मैं कई लोगों को दे चुका हूँ ये, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। यदि आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर है मेरा 9540046626। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।